माय डियर कैंडिडेट, ये स्पेशली वीडियो फ्रेशर के लिए मैंने बनाया है। वो कैंडिडेट जिनको आज बहुत सारे कोर्सेज एल्यूर करते हैं, आकर्षित करते हैं, और कोर्सेज की ओर वो जाते हैं, पढ़ाई की ओर वो जाते हैं, कोर्स के सर्टिफिकेट आने के बाद में शायद उनके पास कुछ नहीं होता है। ये और एक बात और समझने की है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे अर्निंग्स कम होती हैं, वहाँ पे आजकल जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के जो कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे माँ बाप को ऐसा लगता है कि जैसे हम बच्चे के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 3 लाख के अलग अलग प्रोग्राम कोर्स करने के बाद में वो भी वहीं पर हैं जहाँ पर एक लोअर मिडिल क्लास का नहीं है। क्या डिफरेंस है? जब वो कोर्स करता है तो उसके पास बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस दिखाई देती हैं, सब कुछ उसको हरा ही हरा दिखता है, अपनी मर्जी का बढ़िया सा दिखता है। जब वो वहाँ पे आ जाता है तो हम लोग दोनों ओर के लोगों को देख रहे होते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत हाईली प्लेटफॉर्म हाईली बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म से नहीं आए हैं जिनको बहुत कुछ मिला हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जॉब, उनकी चीज़ें बहुत अलग से हैं। ये मेरे साथ में अभिमन्यु हैं, ये बेसिकली आपके फादर यहाँ पे थे जो सेशंस वगैरह दे रहे थे, उन्होंने बोला कि इनको यहाँ पे आकर के कुछ करना चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि देखो, आप ये मत कहो कि यहीं पर सब कुछ कर दे, बच्चों को पहले जानकारी सब दो, जिससे कि वो पता कर पाए उसके लिए सही चीज़ क्या है। बाद में मैंने उनसे बातचीत करी, मुझे आइडिया लगा कि इनको फोटोग्राफी और वीडियो का शौक था, फोटोग्राफी में ये कम से कम 1-2 साल रहे, करने के बाद में सीखने के बाद में किया तो, बट उनके पास में अर्निंग नहीं, और उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसका स्कोप उस लेवल पे नहीं आया, और घर में आज अर्निंग की ज़रूरत है। और जब कोर्स ही उनको लगता है कि सीधे से कैसे 50,000, 1 लाख की सैलरी में पहुँचे मंथ में, और इसके लिए लोगों के मन में ऐसे कोर्स प्रोग्राम दिमाग पर रहते हैं जिससे उनको लगता है कि बड़ी सैलरी आएगी, बड़ा पैकेज आएगा। तो कोई बात और समझनी है, जो क्रीम लेयर के बच्चे होते हैं, जो शुरुआत से जिनका एकेडमिकली बहुत साउंड है, परिवार से साउंड है, A+ कैटेगरी में इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छा, और टॉप नॉच कॉलेज में वो गए हुए हैं, वहाँ पर कंपनी आती है, उनको कैंपस देती है और चली जाती है। जो बच्चे वो नहीं मैं कर पाए, उनको दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। वो एक तरीका सिर्फ है, सर्टिफिकेट कोर्स का वहाँ नहीं अप्लीकेबल है, ये लोग वहाँ पर भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। वो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस कंपनी में, किस तरीके के प्रोफाइल में आप काम करके आए। वो एक्सपीरियंस अगर आपको एक साल भी हो गया ग्रेजुएशन करते हुए, ग्रेजुएशन करते करते आप कमा भी अच्छा लोगे, एक्सपीरियंस भी आएगा, प्लस साथ में आप 4 कंपनियों में दिखा भी पाओगे कि आपने काम किया है घर की सिचुएशन के बाद में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जब ये हमारे पास में आया तो इनका मैंने जनरल इंटरव्यू कराया, तो उसमें इनकी ज्वाइनिंग कन्फर्म हुई क्योंकि उनको फ्रेशर ही बनना चाहिए था। साथ ही साथ में मैंने उनसे पूछा कि उससे लेकर के अभी तक बीच में तुमने क्या किया, मैं उस बात को जरूर मेंशन करूँगा क्योंकि कोर्स का बहुत चार्म रहता है लोगों के बीच में। अब आपके फादर ने कहा कि एनिमेशन की कोई बात हुई, आपने बताया था कि एनिमेशन में, मैं इनकी बात तो कर रहा हूँ फिर ये बात अपनी रखेंगे, एनिमेशन में कोर्स में अच्छा है। अब देखिए, फादर ने जब कोई कोर्स अच्छा कहा तो बच्चा क्या करेगा, क्या अच्छा है तो चलो उसके बारे में जानकारी करते, क्योंकि पिता पे डिपेंडेंट बच्चा रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए, फादर को भी आज जानकारियाँ नहीं है, वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमसे जानकारियाँ ले रहे हैं, पर कोर्स अच्छा पर जानकारियाँ नहीं। हमें पता है कि एनिमेटेड के 3 कैंडिडेट जो कोर्स पूरा करके पहले आए थे, हम उनकी जॉब नहीं लगवा पाए थे क्योंकि लखनऊ का उसके लिए कम है ऑप्शन, बैंगलोर में ज़्यादा ऑप्शन है। तो आपने कोर्स नया समझ के, यूनिक समझ के, कुछ कंटेंट नया समझ के कर तो लिया, फादर के कहने पर, कभी किसी रिश्तेदार के कहने में, किसी दोस्त के कहने पर, फिर ये इन्होंने चूँकि फादर ने हाँ कहा, इनको मन फिराया कोर्स में, हम सीधे पढ़ सकते हैं, इन्होंने पता भी किया, यूनिवर्सिटी गए तो जगह और पता किया, फीस हाई देखी और ये फिर विड्रॉ करके चले आए कम से कम। लेकिन मन में ये इनके रहा होगा कि कोर्स में हमें फीस देगी नहीं तो हम पता नहीं क्या फोड़ देते। माय डियर कैंडिडेट, यहाँ जो कोर्स करे हुए लोग हैं, आज उनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं दिख रहा। अगर कोई कोर्स अच्छा है तो उस कंपनी में 5 कंपनियां लड़कों को लेने आएंगी, वहीं पर ऑफर करेंगी, और उन बच्चों से आप मिलेंगे तो वो कहेंगे कि हमको यहाँ से ऑफर मिला था इस कैंपस से। ऐसे आपको ढूंढ के उंगलियों में निकल पाएंगे ऐसे कैंपस, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे कोई कोर्स के लिए कंपनी उनसे पूछ रही हो आपके पास ऐसे कोर्स क्या हैं, और उनको ले जाए वो ट्रेन करे, कंपनी आती नहीं। हम कॉलेज को अच्छा, इंस्टीट्यूट को अच्छा, कोर्स को अच्छा पढ़ा तब कहें जब उसी कोर्स को लेने के लिए 4 कंपनियां लड़कों को उस कोर्स के नाम पे ले जा रही हो और उनको वहीं से जॉब मिल जाए तो कोर्स अच्छा है।
वो कोर्स इसलिए अच्छा है क्योंकि नया आया और सब जगह आजकल एनिमेशन कोर्स है, तो आप वहीं के में रहेंगे, जॉब कैसे आपके पास में आएगी। इस बड़े अंतर को सबको समझना बहुत जरूरी आज हो गया। और देखिए गाइडेंस भी आदमी कहाँ से लेता है भाई, आप पार्टी से लेगा, रिश्तेदारों से लेगा, ब्रदर से लेगा, दोस्तों से लेगा, यही तो उसके नेटवर्क होते हैं। आप एक बात और समझिएगा, बहुत महीन बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पर लोगों को चूंकि अपनों से बात करिए तो उन पर फेंक ज्यादा होता है और उनकी बात वो हाँ में करके कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन उनकी बात में नहीं उनको विश्वास होता है। जो रोज देख रहा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, रोज सब तरीके के प्रोग्राम के लोग आ रहे हैं, हमको अगर गाइड करेंगे तो वो चूंकि ऑलरेडी पहले सोच चुके हैं कि नहीं हमें ये करना है, ऐसे करना है, तभी हम करेंगे, वो ऑलरेडी इतना सोच चुके होते हैं कि उनके लिए और कुछ उनको सही चीज समझ में आती नहीं है। उनको लगेगा नहीं हमारे ये जो करीब है वही सबसे करीब है, हमारे फादर ही कहे, हमारे दोस्त हैं, वो जो कह रहे हैं वही सही है और दूसरी चीज है, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं, फैक्ट नहीं है, बेसिकली उन्होंने गलत नहीं किया है, जानकारी की कमी की वजह से सही सलाह नहीं दे पाए। सर हमारे पास भी एज ए फादर उस वक्त सही जानकारी नहीं, तो हम भी यही गाइड करते। माई डियर कैंडिडेट, आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं, कौन सी जॉब मार्केट में प्रोफाइल्स में कितना पैसा मिल रहा है, उसमें हमें क्या आ जाए जिससे हम रेगुलर इनकम में आ पाएंगे और उस इनकम का फायदा हमें और चीज़ों में मिल पाएगा। सिर्फ इसलिए कोर्स ना कर दें कि आपके किसी करीबी ने, आपके किसी बहुत करीबी ने आपको एडवाइस किया, आप कराए फिर वहीं की वहीं आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास में कोई ऐसे 10 रिकॉर्ड एक जगह के हैं जहाँ पे कंपनी आई हो, उसने इतने का पैकेज दिया हो, नहीं है तो उसको कोर्स की बजाय आप एक कंपनी में काम करते हो, जो सीखते हैं उससे पैसा भी आता है, काम भी सीखते हैं, एक्सपीरियंस भी ऐड होता है, रिज्यूम में वही चीज़ ऐड हो जाती है, तो शॉर्टलिस्टिंग और बड़ी कंपनियों में कराना आसान हो जाता है कंपेरेटिवली सिर्फ एक कहने के नाम पे कोर्स कर लें। ये बात इनसे करते करते आज आई मन में, तो मुझे लगा इनको बैठा के चूंकि इनकी ज्वाइनिंग हुई तो आपके सामने बात शेयर करूँ। मैं ये चाहता हूँ जो तुम समझ पाए हो यहाँ से, तुमको जो ज्वाइनिंग मिली, जो तुम जानते हो, जो तुमने स्टूडियो किया, अपने शब्दों में कुछ चीज़ें बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट तो उधर था बट इंटरेस्ट से क्या दिक्कतें तुम्हें हो रही थी, कैसे तुम्हें यहाँ का गाइडेंस तुम्हें मिल करके तुम्हें एक ज्वाइनिंग हुई, क्यों तुम्हारे लिए ज्वाइनिंग जरूरी थी, थोड़ी सी बात बताओगे तो जो नए कैंडिडेट तुम्हारे लिए IPL कोर्स में प्रोग्राम में चले जाते हैं, फीस की दिक्कत होती है, घर को भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मन लगता है हमें कुछ मिला नहीं, भाग रहे होते हैं बिल्कुल कोर्स की तरह, तो कुछ शब्द तुम्हारे उनके लिए मदद करेंगे, एक्चुअल वाले जो तुम्हारे हैं वो उनको बताओ। जी जैसा कि सर ने मुझे बताया कि मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, जिससे कि मुझे जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, लेकिन अब थोड़ा सा सर के कहने पे मैंने थोड़ा सा गाइडेंस लिया तो मैं आगे बढ़ा, मुझे अब जॉब की ज़रूरत पड़ी थी लेकिन अब पूरी हो गई है। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं आगे जॉब के लिए अप्लाई करूँ, लेकिन फिर मैं फोटोग्राफरी में घुस गया, फोटोग्राफरी में मैंने बहुत से चीज़ें करी, एक्सपीरियंस लिया, लेकिन उससे भी मुझे ये लगता है कि उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है, ना कुछ आगे होने वाला है। फिर मैं सोचता रहा, फिर मैं अपने रास्ते से भटक गया कि मैं क्या करूं। फिर पापा ने बोला कि मुझे MBA कर लो बेटा तो ज़्यादा तुम सही रहेगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, MBA करना भी ज़रूरी है। फिर मैं MBA करने के भी पर्पस पे गया, लेकिन मेरी चीज़ें स्टडी में, कन्वर्सेशन में चीज़ें नहीं इतनी सक्सेसफुल है, तो हमने कहा कि पापा वो भी मैं नहीं कर सकता। तो फिर पापा ने कहा कि अच्छा ऐसा कर, तू एनिमेशन का कोर्स कर ले। तो फिर मैंने कहा कि पापा ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हो। तो मैं एनिमेशन के लिए यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर चार चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली। और फिर मैं पापा से कहा कि पापा मुझे एनिमेशन का कोर्स करना है, काकादेव में है, ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पर 60,000 से 80,000 तक मांगा जा रहा है। तो पापा कहे कि बेटा जो तुम्हें मन करे तो कर लो। फिर मैंने कहा कि पापा बहुत ज़्यादा कोर्स लग रहा है, इतनी स्थिति भी नहीं सही है घर की, तो हमने कहा कि इसको ड्रॉप करते हैं। फिर पापा ने कहा कि सर के पास चलिए। तो फिर मैं सर के पास जैसे ही आया, सर ने मुझे एक अच्छी राह दिखाई, गाइडेंस दिया कि हाँ तो आप इधर जाइए, आप इधर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोर्स ना करके आप एक जॉब के पर्पस पे जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आप जॉब करके उस चीज़ को करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर आया, सर ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, यहाँ करा मैंने, अब मैं अच्छी जॉब एक पाने जा रहा हूँ सर के माध्यम से, और सर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि सर ने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस दी कि आज मैं जो जिस राह से भटक रहा था वो राह अब एक क्लियर दिखाई दे रही है, इससे धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू सर सो मच। मैंने इनको इसलिए भी बात पे ऐड किया कि बहुत सारे ऐसे यंग हैं जो बात करने आ सकते हैं, समझने आ सकते हैं,
पैसे से बच सकते हैं। आप MBA के नाम पे पूरे यूपी में जो इंस्टीट्यूट हैं वो एक कंपनी अपने आने ही जब बुला पाते हैं और बुलाते हैं तो प्रोफाइल दूसरे में HR वाले को सेल्स पकड़ा देते हैं टारगेट वाली, माय डियर कैंडिडेट क्या मदर फादर का पैसा इसमें बर्बाद करने के लिए केवल एक कागज के लिए। अगर वो दो साल पैसा कमा लें, अर्निंग्स में आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए, उस एक्सपीरियंस की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है कि उस कोर्स की वैल्यू मार्केट में। सही बात एक बार जोरदारी से कही जाए और आपके थ्रू ये सब जगह पहुँचे, हर माँ बाप को पता हो, हर माँ बाप को जानकारी में हो, कोर्स वो, प्रोग्राम वो, कंटेंट वो, वहाँ पर जहाँ पे कंपनी आई हो उसी प्रोफाइल में उसने कहा हो तुम्हारे लिए इतना पैकेज है, तुम जॉब की यही शुरुआत करो, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे कोर्स प्रोग्राम आप मुझे 5 या 10 ढूंढ के दिखाइए, उन प्रोग्राम्स की वैल्यू है। अगर आप उन जगह जा नहीं पा रहे हैं तो गलत जगह जा करके अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करिए, कमाइए, मेहनत करिए, कम से शुरुआत करिए। अगले 2 साल में उन कागज में जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा पैकेज में होंगे, चाहे वो MBA प्रोग्राम हो, BBA प्रोग्राम हो, पर प्रोग्राम की ऑथेंटिसिटी केवल एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन से नहीं हो जाती है, उस जगह पे आने में कंपनी कितना पैकेज दे रही है, क्या कंपनी आती है उससे होती है, केवल उससे होती है। ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जितने भी यंग और यूथ देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए। केवल बिल्डिंगें काम नहीं करती हैं, सर्टिफिकेट काम नहीं करते हैं, काम करती है कैंपस में आने वाली कंपनी जो जॉब ऑफर करती है, जो बच्चों को लेने आती है, उन कॉलेजेस को चेक करिए। और चेक कैसे करेंगे, उनके कहने से नहीं, उन वहां पे जो बच्चे हो, आप मेरे पास आइए, मैं आपको बता दूं मेरे पास कौन से बच्चे हैं जिनकी जॉब लगी है, ये लगे हैं, इनके नंबर दीजिए आप, और जिनका वीडियो देखा है आप उनके पास जाइए, आप उनसे पूछिए कितना ऑथेंटिक होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, जो कॉलेजेस में कोर्स देते हैं केवल बिल्डिंग के बेसिस में, केवल एफिलिएशन के बेसिस में, ना कि केवल कैंपस, उनकी बुराई नहीं करना है, वो कोर्स प्रोग्राम दे रहे हैं, पर लेकिन एक समझना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो है उसको कमाई चाहिए, कम से कम ये अपना खर्चा निकालेंगे तो माँ बाप के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और उससे आगे की ओर ये बढ़ेंगे। ये सबको सोचना है। इनकी बात करते करते मुझे ऐसा नजर आया कि मुझे ये जानकारी आज के यंग को जरूर देनी चाहिए, जिससे वो कोर्स प्रोग्राम का जो मिथ है, जो पूरा जंक्शन है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल पाए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, MySureJob.com, इनके लिए बहुत बहुत भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।